देखिए, आप मेरे पीछे मेवात में हो रही इस हिंसा का एक झलक आप ये देख चुके होंगे। अभी फिर से देख लीजिए, आपको देख के लगेगा किसी बहुत बड़ी जॉम्बी अपोकलिप्स मूवी का सीन है, जहाँ पे पूरा शहर जल रहा है, तहस नहस हो गया। लगभग वैसा ही है। हिंदुओं की चल रही यात्रा के ऊपर छत से पत्थरबाजी, लगातार फायरिंग, और इस हिंसा को भड़का दिया गया, आग लगाई गई, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी मरे हैं, 4-6 की मात्रा में पुलिस वाले भी मरे हैं। पुलिस का जो मतलब जो बॉडी कंट्रोल करने आ रही है, ये भीड़ उनको भी नहीं छोड़ रही है, आप ये समझिए। और 100 के अधिक तादाद में गाड़ियों को भी जला दिया गया है। आप सारी फुटेज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, सारी क्लिप 90 सेकंड की रील में आपको नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन अभी और बातें खुलेंगी। पुलिस ने 77 के मतलब बहुत बड़ी तादाद में अरेस्ट भी किया है, और बहुत बड़ी तादाद में FIR भी दर्ज हुई है। ये लोग पकड़े भी जाएंगे, सूते भी जाएंगे, सबके घर भी तोड़े जाएंगे, सारी कार्यवाही होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये लोग 80% है मेवात में। मेवात वही एरिया है, वही जगह है जहाँ के लोग पाकिस्तान चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। गांधी जी ने पर्सनली अश्योर किया था कि नहीं, तुम्हारा हम ध्यान रखेंगे, और आज ये ध्यान रखा जा रहा है कि वो 80% हो गए हैं। इस तरीके से पाला गया है कि अब इन्होंने हिंदुओं का जीना नरक कर दिया है। आप यही समझिए, या तो आप सेकुलर बने रहिए, सॉफ्ट बने रहिए, और इनको पालिए पोसिए, और आपको ही वहाँ से खदेड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा, और आपके ही मंदिरों को घेर लिया जाएगा, कि आपका जीना, आपका जीवन आपके हाथ में होगा, कि आप मरेंगे कि जिएंगे अगले पल कुछ नहीं पता चलेगा। तो आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। जय हिंद।